हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। तो दोस्तों, दीपावली का मौसम है, आप सब बच्चों का है जो दीपावली पर खुशियां मनाने का मन करता है, और क्यों ना करे। ये दीपों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, और खुशियां लेकर आए ये त्यौहार आप सबके जीवन के अंदर। हमारी यही शुभकामनाएं हैं। और दीपावली पर आपको पता ही है, बच्चों की सबसे प्रिय वस्तु होती है पटाखे चलाना। तो पटाखों को लेकर के बहुत सारे परसेप्शन हैं, कुछ लोग इसके फेवर में हैं, कुछ इसके अगेंस्ट में हैं। तो थोड़ा सा वही वायु प्रदूषण तो होता ही है, एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन। फिर भी क्योंकि भारत की आबादी इतनी बहुत ज़्यादा है कि अगर सब लोग इतने सारे पटाखे चलाएं तो ये वास्तव में एक सीरियस स्थिति बन जाती है। फिर भी लोगों को अपनी भावनाओं का इजहार करने देना चाहिए। तो आज की 10 नवंबर है, और 10 नवंबर पर एडिटर्स का क्या विचार है, तो आज का अपना देखते हैं जो एडिटोरियल है वो क्या रहने वाला है। तो करते हैं शुरू आज का एडिटोरियल 10 नवंबर का। चलो जी, देखते हैं क्या है 10 नवंबर का जो एडिटोरियल है अपना आज का, इसी टॉपिक पर है। तो ये स्पेशल एडिटोरियल है आपको, ये है जो इसमें दीपावली आप इसमें कह सकते हैं, ये दीपावली स्पेशल है ये। तो दीपावली पर स्पेशल एडिटोरियल है ये, और ये स्पेशल एडिटोरियल जो आपको मिलेगा वो है फायर क्रैकर्स पर, जिसमें फायर क्रैकर्स है हमारे, जिसे पटाखे अपने कहते हैं। तो दीपावली के लिए स्पेशल है ये। तो अपने देखते हैं बच्चे इसमें क्या करने वाले हैं और क्या स्थिति रहने वाली है। तो आज की वोकैब शुरू करते हैं। तो आज की वोकैब में पहला शब्द है स्टेटरी। तो एडजेक्टिव है जो स्टेटरी है, यानी बाय लॉ बना हुआ है, डिसाइडेड बाय लॉ, वैधानिक या कानूनी, लीगल जिसे अपने कहते हैं। तो कानूनी स्थिति क्या होती है इसको लेकर के, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल, सांविधिक या संवैधानिक स्थिति। एंटोनिम हो जाएगा, जो लीगल नहीं है वो इलीगल है, आईएल लग जाएगा तो इलीगल बन जाएगा, ये इसका ऑपोजिट वर्ड। लेजिटिमेट वैध होता है, तो इलेजिटिमेट क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, तो इसका हिंदी हो गया अवैध। जो वैध नहीं हो, लीगल नहीं हो, तो लेजिटिमेट और लीगल दोनों सिनोनिम हो गए, और इलीगल और इलेजिटिमेट दोनों सिनोनिम हो गए। तो लीगल का ऑपोजिट इलीगल, लेजिटिमेट का ऑपोजिट इलेजिटिमेट। लेजिटिमेट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ठीक है। योर स्टेटरी राइट्स एज ए कंज्यूमर आर नॉट अफेक्टेड, एक उपभोक्ता के रूप में आपके संवैधानिक अधिकार है वे प्रभावित नहीं होते हैं, ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलो दोस्तों, देखते हैं आज का शब्द दूसरा है बर्जन। बर्जन का मतलब होता है फूला हुआ, क्या फूला हुआ, उभरा हुआ, यानी जिसमें उभार आ जाए, क्या आ जाए, उभार आ जाए, जो फैल जाए, फैलाव जिसमें हो जाए, तो ये इसका है जो शब्द हो जाएगा फैलाव। सो बिगिन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली, फ्लॉरिश, जो तेजी से ग्रो करने लगे, बहुत ज्यादा फ्लॉरिश हो जाए, वो क्या हो गया, बर्जन हो गया, क्या एक्सपैंड करना, स्प्रिंग अप करना, स्वेल करना, तो विस्तारित हो जाना, जिसमें उभार आ गया, जो फैल गया दूर दूर तक, तो उभरा हुआ और जो ऊपर उठा हुआ, तो सब क्या हो गए, बर्जन हो गए। तो ये कोई समस्या के बढ़ने के अर्थ में, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के अर्थ में इसको ले सकते हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग और लिमिटेड, सिकुड़ा हुआ, यानी कुछ ही दूरी के अंदर सिकुड़ जाए, तो इसका अपोजिट हो जाएगा। थैंक्स टू द बर्जनिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी, अब देखो यानी ये इसका सिनोनिम क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ है। इजी वर्ड आपको बता देता हूँ, इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी को बर्जनिंग टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो थैंक्स टू द बर्जनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, तो तकनीक के बढ़ने को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। एंड सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया को, पब्लिक ओपिनियंस इज द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स इन द वर्ल्ड टुडे, तो जनमत है वो आज के दुनिया के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक
पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स है, राजनीतिक बल है, ये सबसे शक्तिशाली राजनीतिक बल है। किसके कारण? इंक्रीजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, तकनीकी और सोशल मीडिया के विकास के कारण। तो बर्जिनिंग का मतलब हुआ इंक्रीजिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आज का, डिमार्केट करना। तो वही फिक्स कर देना, लिमिट तय कर देना, टू शो और मार्क द लिमिट्स ऑफ समथिंग, हदबंदी करना, सीमांकन करना, कोई चीज का है जो डिमार्केशन कर देना, सीमांकन करना, ये हो गया इसका। डिलिमिट, ड्रॉ द लाइन, रेखा खींच देना कि यहां तक ये काम हो सकता है। अटैच करना और कंबाइन करना, संलग्न कर देना, इसका ऑपोजिट हो गया, क्या होगा? संलग्न। तो अटैच करना, कंबाइन, मिला देना, तो ये क्या हो गया? इसका एंटोनिम हो गया, तो मिला देना। सो ही कुड रफली डिमार्केट द फेज जेज डाउन बाय द सोशल हिस्टेरियंस। तो वो रफली है जो डिमार्केट यानी कि हदबंदी कर सकता है किन चीजों की? फेजेस ड्राउन बाय द सोशल हिस्टेरियंस, सामाजिक इतिहासकारों द्वारा जो बातें तय कर दी गई उनकी वो हदबंदी है जो मुश्किल से ही कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आज का रेड हेरिंग। यस, रेड हेरिंग यानी लाल रेखा। तो रेखांकित करना, an idea or subject which takes people's attention away from what is really important, जो महत्वपूर्ण हो उससे लोगों का ध्यान खींचना। तो रेड हेरिंग लाल रेखा होती है और ये प्रतीकात्मक होती है, तो ये क्या होती है? चेतावनी सूचक होती है। क्या होती है? किसी को वार्निंग देते हैं, अलर्ट करने वाला जो काम होता है वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स में आता है। A clue or piece of information that is intended to be or misleading or distracting, तो ऐसा कोई piece of information, सूचना स्रोत जो कि इस इरादे से हो जो आपको mislead करे या distract करे, आपका ध्यान भटकाने वाला या गलत दिशा देने वाला सूचना स्रोत red herring। तो ये क्या है? सावधान रहना चाहिए। Blind or faint यानी अंधा या धुंधला, तो ये क्या है? रेड हेरिंग दो अर्थ में है, लाल रेखा और इसके अर्थ में। एंटोनिम ओपननेस रियलिटी, जो ब्लाइंड होगा, जो धुंधला होगा उसका उल्टा क्या हो जाए? जो धुंधला है वो क्या है? अस्पष्ट है। अस्पष्ट है जो क्या है? असत्य है। तो अस्पष्ट और असत्य, धुंधला, ये रेड हेरिंग के हो गए, यानी वहां हमें अलर्ट रहना होता है। जबकि ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? खुलापन होगा, रियलिटी आपके सामने होगी, ट्रुथ आपके सामने होगी। तो ये इसका ऑपोजिट में ये आ जाएगा। द बुक इज फास्ट पेस्ट, एक्साइटिंग एंड फुल ऑफ रेड हेरिंग्स। तो बुक है बहुत ही फास्ट पेस्ट है, उत्सुकतापूर्ण है, लेकिन फुल ऑफ रेड हेरिंग्स है। तो इसमें कुछ चीजें हैं वो ब्लाइंड हो सकती है, अस्पष्ट हो सकती है। नेक्स्ट है मेड समथिंग आउट। मेड समथिंग आउट, सजा देना या आदेश देना या किसी क्रूरता या अनुचित व्यवहार करना। तो किसी व्यक्ति के साथ में ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं तो कहते मेड समथिंग आउट। फ्रेजल वर्ब है ये, टू गिव समबॉडी ए पनिशमेंट, टू मेक समबॉडी सफर बैड ट्रीटमेंट। तो किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करना, मेट आउट। ऑथराइज और डिलीवर सिनोनिम हो गए, जबकि हर्ड और होल्ड क्या हो गया? इसका एंटोनिम। ऑथराइज आपको पता ही है, किसी को अथॉरिटी देना काम करने की, डिलीवरी देना, अच्छा सदव्यवहार करना, जबकि चीजों को इकट्ठा करना हर्ड हो गया। वी आर ट्राइंग टू बी फेयर इन मेटिंग आउट रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स। तो हम है जो पुरस्कार और सजा देने के मामले में है जो फेयर होने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेशन। मिटिगेट करना, समन करना, मिटिगेट से मिटिगेशन बना है, समन करना। लेसनिंग और एजिंग यानी कि कम कर देना आसान, सो सिनोनिम हो गया वीकनिंग और सप्रेशन, कमजोर करना, दबा देना। इंटेंसिफिकेशन, सघन बना देना, मजबूत बना देना। तो सघनन क्या हो गया इसका, या मजबूती क्या हो गया इसका? अपोजिट हो गया। ओके, सो एक्सपेंडिंग, ही कवर्ड हिज नोज टू मिटिगेट द अवफुल स्मेल। अवफुल स्मेल आ रही है, बहुत ही
खतरनाक बदबू आ रही है, तो उसके लिए उसने क्या किया, अपनी नोज को कवर कर लिया। तो ऐसा होता है कई बार, तो मिटिगेट करना, कम करना। चलो जी, आज का एडिटोरियल चलो देखते हैं। मोर लाइट लेस साउंड, मैंने पहले कहा ये दीपावली स्पेशल है, एक दो दिन पहले का है। सो मोर लाइट लेस साउंड, ज्यादा प्रकाश और कम आवाज, ठीक है। इस तरह की फायर क्रैकर्स हो, ऑन फायर क्रैकर्स एंड फेस्टिवल ऑफ लाइट, जो कि पटाखे हैं और प्रकाश का जो पर्व है, त्योहार है, इस पर टू अबेट नॉइज क्राइसिस, इस ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए गवर्नमेंट्स मस्ट प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ वायलेटिव फायर क्रैकर्स। तो सरकार है, जितने भी सेंटर अपने केंद्र और राज्यों की जो सरकारें हैं, उनको प्रिवेंट करना, प्रिवेंट यानी रोकना, प्रोडक्शन ऑफ वायलेटिव फायर क्रैकर्स भी कैसे, वायलेटिव जो ज्यादा प्रदूषण करते हैं, ज्यादा नॉइज करते हैं, ऐसे पटाखों के उत्पादन पर सरकार को रोक लगाने के लिए प्रिवेंटिव मेजर अपनाने चाहिए। द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स शुड नॉट बी अलाउड टू डिजेनरेट इनटू अ फेस्टिवल ऑफ नॉइज। तो देखो, पहली लाइन में एडिटर्स का विचार है कि जो प्रकाश का जो त्योहार है, पर्व है, उससे एक फेस्टिवल ऑफ नॉइज है, जो शोरगुल का त्योहार बनने के लिए डीजेनरेट नहीं होने देना चाहिए। यानी कि डीजेनरेट इस अर्थ में कि उसकी गरिमा इतनी गिर जाए कि वो शोरगुल का त्योहार बन जाए। फायर क्रैकर्स आर एसोसिएटेड विद जॉयस सेलिब्रेशंस, पटाखे हैं वे खुशियों की जो सेलिब्रेशन होते हैं, खुशियां हम मनाते हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया भर में। बट मेनी आर टॉक्सिक, लेकिन बहुत से पटाखे बहुत ही टॉक्सिक, प्रदूषक होते हैं। ओपन टू लाउड, बहुत ही तेज आवाज वाले होते हैं। एंड रिलीज नॉक्सियस फ्यूम्स, और बहुत ही खतरनाक धुआं निकलता है। व्हेन कंबस्टेड, जब उनको जलाया जाता है, कंबस्शन करना, जलाना, तो कंबस्टेड जब जलाया जाए। In 2018, the Council of Scientific and Industrial Research, जो काउंसिल है, परिषद है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, launched less noxious and less noisy green crackers। तो उसने कम ध्वनि वाले और कम जो प्रदूषण वाले है ग्रीन क्रैकर्स, यानी हरित पटाखे जारी किए। Whose use various statutory bodies have mandated, जिनके प्रयोग को कई सारी जो वैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक और लीगल बॉडीज है, निकाय है, उन्होंने मैंडेट दिया, आदेश दिया कि ये सही है, मान्य है। The noise pollution regulation and control rules 2000, ध्वनि प्रदूषण नियमन और नियंत्रण नियम 2000 स्टिपुलेट दैट फायर क्रैकर्स कैन नॉट बी बस्ट इन साइलेंस जोन्स। इस नियम के अनुसार ये स्टिपुलेट करता है, स्थापित करता है कि पटाखों का प्रयोग साइलेंट जोन, शांत क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल आदि। डिजाइन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, जो कि राज्य सरकारों द्वारा घोषित होते हैं। एंड एनीवेयर आफ्टर 10 PM, और कहीं भी 10 बजे बाद पटाखे नहीं चलते हैं। From 6 AM to 6 PM, तो आप सुबह 6 से शाम के 10 बजे तक, i.e. डे टाइम में, एंड इन इंडस्ट्रियल एरियाज और औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, फायर क्रैकर्स नॉइज कैन नॉट एक्सीड 75 decibel, है जो जो लेवल है फायर क्रैकर्स का, वो ध्वनि का प्रदूषण है, वो 75 dBA इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ध्वनि प्रदूषण आपको पता ही है, डेसिबल में मापते हैं, तो 75 डेसिबल से ज्यादा जो उसकी ध्वनि नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें देखो क्या होता है आगे, और क्या कहते हैं, द थ्रेशोल्ड्स इन द कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एरियाज आर 65 decibel। अब अधिकतम एक कैटेगरी के अंदर ये 65 decibel है, रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल क्षेत्र में, वाणिज्यिक क्षेत्रों में और जो कॉलोनियों के अंदर। सो 65 decibel ए लेक एंड 55 decibel ए लेक रिस्पेक्टिवली। तो ये क्रमशः इतना है, कॉमर्शियल में 65 और रेजिडेंशियल में 55, उसे 10 कम। डेसिबल स्टैंड्स फॉर डेसिबल, डीबी स्टैंड्स फॉर डेसिबल, आपको पता ही है। ए इज ए वेट स्केल फॉर ह्यूमन प्रोपोर्शन,
अब इसके अंदर जो ए दिया है ये मानव का जो अनुपात है ह्यूमन परसेप्शन ऑफ लाउडनेस कि भी ये वेट है ए कि मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है वो कितनी है एंड लेक मींस द फिगर इज ए टाइम एवरेज कि ये समय के औसत के साथ में है तो लेक का मतलब टाइम एवरेज है या द रूल्स अलाउ पीपल टू रजिस्टर ए कंप्लेंट ये नियम कहता है लोगों को कि आप अनुमति देता है कि आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं इफ द नॉइज ओवरशूट्स बाय 10 डेसिबल ए लेक ड्यूरिंग डे टाइम अगर 10 डेसिबल से भी अधिक ओवरशूट आवाज आती है ध्वनि होती है दिन के समय में तो आप शिकायत कर सकते हैं बिकॉज डीबी इज ए लॉगरिथमिक यूनिट ये एक लॉगरिथमिक यूनिट है एंड इंक्रीज ऑफ 10 डेसिबल इंप्लाइज ए 10 फोल्ड इंक्रीज इन अकोस्टिक प्रेशर अगर 10 डेसिबल ध्वनि बढ़ती है तो जो अकोस्टिक जो ध्वनि का जो सम्मिलित जो दाब होता है वो 10 गुना हो जाता है विच इज ओपन बियॉन्ड द पॉइंट एट विच द साउंड बिकम्स हार्मफुल वो इतना होता है कि ध्वनि है जो बहुत ही हानिकारक हो जाती है 10 × 10 = 100 हो जाता है तो 90 डेसिबल से ऊपर बहुत ही ज्यादा एक्सेस हो जाता है रिसर्च हैज फाउंड लिंक्स बिटवीन लाउड एनवायरमेंट्स एंड स्लीप डिसऑर्डर्स अनुसंधानों से पता चला है कि ध्वनि का जो प्रदूषण है पर्यावरण है और जो स्लीप डिसऑर्डर है जो अनिद्रा की बीमारियां हैं टिंटियस स्ट्रेस एंग्जाइटी हियरिंग लॉस एंड कार्डियक हेल्थ तो हृदय संबंधी बीमारी हो सुनने की कोई समस्या हो दुश्चिंता हो तनाव हो ये सब बीमारियां हैं ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी हुई है मोर देन 80 डेसिबल इन ऑफिसेज हैज बीन एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन अगर ऑफिस स्पेस में भी 10 डेसिबल से ज्यादा का शोर होता है तो व्यक्ति हाइपरटेंशन उच्च जो रक्तचाप का शिकार हो जाता है अत्यधिक हाइपरटेंशन होता है वेयर इज अबव 50 डेसिबल एट नाइट रात को 50 डेसिबल से ज्यादा का शोर क्या करता है व्हेन द बॉडी इज अनअकस्टम टू द लाउड नॉइजेस जब आपका शरीर इतने शोर के प्रति अनुकूलित नहीं होता है अकस्टम टू होना आदि होना और अनअकस्टम्ड आदि न होना कुड इंक्रीज कोर्टिसोल लेवल्स जिससे आपका कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है और कोर्टिसोल का स्तर बढ़ेगा तो आपके तनाव के कारण बढ़ता है कोर्टिसोल क्योंकि शोरगुल होता है तो इसे क्या होगा आपको टेंशन रहेगी एंग्जाइटी रहेगी दिक्कत आएगी इसे आपको तनाव आएगा तनाव ज्यादा रहेगा तो कोर्टिसोल बढ़ जाएगा कोर्टिसोल बढ़ेगा तो ब्लड की है जो फ्लो है जो भारी हो जाएगा और आपके जो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा देखिए ट्रैफिक नॉइज हैज बर्जेंट इन सिटीज अब देखो ट्रैफिक है वो शहरों के अंदर उसके कारण इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गई है तो ट्रैफिक नॉइज हैज बर्जेंट इंक्रीज इन सिटीज तो जो यातायात का जो शोर है शहरों में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है वेयर हैपेस्ट डेवलपमेंट हैज फोर्स्ड मोटरिस्ट टू ओवर यूज हॉर्न्स जबकि ज्यादा क्या हो गया हैपजार्ड डेवलपमेंट है अस्त व्यस्त विकास के कारण हैपजार्ड है डिसऑर्डर्ड में जो डेवलपमेंट हो रहा है बिना प्लानिंग के उसने मोटरिस्ट को क्या है ओवरयूज ऑफ हॉर्न्स पौ पौ पी पी लगे रहते हैं सब लोग सो मेनी रिलीजियस ओकेशंस हैव बिकम सिनोनिमस विद नॉइजी सेलिब्रेशंस कई सारे धार्मिक है जो आयोजन है वो भी इतने शोरगुल के पर्यायवाची बन चुके हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द आवर बिना किसी समय के जो विचार किए ड्यूरिंग दीपावली फायर क्रैकर्स इवन ग्रीन वंस दीपावली के दौरान खासतौर से हरे पटाखे भी रूटीनली प्रोड्यूस मोर देन 90 डेसिबल ऑफ साउंड वो आमतौर पर 90 डेसिबल से ज्यादा का ध्वनि प्रदूषण करते हैं इफ से पीपल बस्ट फायर क्रैकर्स एट 90 डेसिबल फॉर 10 सेकेंड्स अगर हम कहें 90 डेसिबल के पटाखे 10 सेकेंड आप चलाते हैं एंड द एम्बिएंट नॉइज इज 50 डेसिबल फॉर 50 सेकेंड्स तो जो 50 डेसिबल की अगर ध्वनि 50 सेकेंड तक भी आती है एंड दिस पैटर्न कंटिन्यूज फॉर 4 आवर्स अगर ये 4 घंटे तक लगातार हो ऐसा फॉलोड बाय 12 आवर्स ऑफ 50 डेसिबल नॉइज उसके बाद
12 घंटे तक 50 डेसिबल का शोर हो, द 16 आवर लेक इज 74.5 डेसिबल, तो 16 घंटे के अंदर जो लेक आएगा मनुष्य की क्षमता होगी वो 74.5 डेसिबल पर चली जाएगी, विच मेरिट्स ए कंप्लेंट इन रेजिडेंशियल एरियाज, जो कि आबादी क्षेत्र के अंदर एक शिकायत का कारण बनती है, बट नॉट इन कॉमर्शियल वंस, जबकि व्यावसायिक क्षेत्रों में नहीं होती है, येट द नॉइज इज ऑलरेडी हार्मफुल, जबकि शोर पहले से ही हानिकारक होता है, सो डिफरेंट लाउडनेस जोन्स आर ऑल्सो सेल्डम पब्लिकली डिमार्केटेड, अलग अलग तरह के जो लाउडनेस जो ध्वनि का स्तर है उसके क्षेत्र नहीं बांटे गए हैं, मुश्किल से ही सेल्डम ही कभी कहा डिमार्क किया जाता है, इंगित किया जाता है, सीमांकित किया जाता है, वाइल सम प्लेसेस आर बोथ रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल, जबकि कुछ क्षेत्र है वो आबादी वाले भी होते हैं और कुछ व्यावसायिक क्षेत्र भी होते हैं, तो एक क्लियर कट इनका है जो क्लासिफिकेशन है होना भी एक समस्या है, सो द रूल्स आर अनक्लियर अबाउट द सैंक्शंस टू बी मीटेड आउट टू ऑफेंडर्स, अब जो नियम है वो क्या है स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, किसके बारे में, अबाउट द सैंक्शंस, अनुमति के बारे में, परमिशन के बारे में, टू बी मीटेड आउट टू ऑफेंडर्स, जो ऑफेंडर उल्लंघन करता है उनको कैसे टैकल किया जाए, इन्फोर्समेंट रिमेन्स, इन्फोर्समेंट रिमेन्स ऑब्सक्योर, सो फोकसिंग ऑन मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स टू फायर क्रैकर्स, तो इसमें क्या होता है इन्फोर्समेंट है जो लागू करना है वो स्पष्ट है, सो फोकसिंग ऑन मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स, हम थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, टू फायर क्रैकर्स बिफोर एवरी फेस्टिवल इज बिकमिंग ए रेड हेरिंग, क्योंकि हर त्योहार है हमारे लिए चेतावनी बनना जा रहा है, इंडिया नॉइज इज ए पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, भारत के अंदर नॉइज है शोरगुल है वो एक स्वास्थ्य का संकट है, इफ फायर क्रैकर्स आर नॉट वर्सन मैटर्स, अगर फायर क्रैकर्स ही मान लो अगर ज्यादा खराब मामला नहीं है, गवर्नमेंट्स मस्ट प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ वायलेटिव फायर क्रैकर्स, तो सरकार को कम से कम जो वायलेटिव जो हानिकारक हैं हिंसात्मक बहुत ज्यादा शोर करने वाले पटाखे हैं उनके प्रोडक्शन को तो रोकना ही चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, ऑल टुगेदर एंड सिटीज मस्ट इंप्रूव पब्लिक एक्सेस टू नॉइज डेटा, और शहरों को क्या करना चाहिए अपनी जो शोर के प्रति पब्लिक डेटा है उसकी एक्सेस को बढ़ाना चाहिए सुधारना चाहिए, एंड अडॉप्ट नॉइज मिटिगेशन टारगेट्स, और शोरगुल को कम करने वाले मिटिगेट करने वाले टारगेट्स पर काम करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, तो अगर आप पीसफुली है माइंड से तो ये आप अच्छा काम कर सकते हैं, तो पब्लिक हेल्थ से बढ़कर के कोई चीज नहीं हो सकती, तो उम्मीद करता हूं इस दीपावली आप है जो क्या करेंगे सब लोग क्या करेंगे ग्रीन दीपावली बनाएंगे, तो ग्रीन क्रैकर्स आप यूज करेंगे, तो ग्रीन फायर क्रैकर्स से आप है जो दीपावली मनाएंगे, तो मेरी तरफ से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे स्कॉलर्स परिवार की ओर से, स्कॉलर्स स्टडी सेंटर की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद करता हूं आप ग्रीन पटाखों का प्रयोग करेंगे जो रोशनी खूब करते हैं लेकिन शोर नहीं करते हैं और उनका पोल्यूशन भी कम होता है, और एयर पोल्यूशन तो बहुत कम होता ही है, साथ ही साथ जो नॉइज पोल्यूशन भी कम होता है, वो कम आवाज में ज्यादा रोशनी करते हैं, अगर आप मार्केट में ऐसे पटाखे मिलते हैं तो आप अवश्य लें, हमारी ओर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके लिए त्योहार खुशियां लेकर के आए, अगला सत्र सेशन आपके लिए बहुत ही सुनहरा हो, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।